मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जैसे ट्राइकोडर्मा एवं राइजोबियम इत्यादि को जैव नियंत्रक के रूप में बीजोपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैव नियंत्रक उत्पाद पौधों में रोगों एवं कीटों के प्रबंधन के साथ साथ पौधे की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। कवकनाशी एवं कीटनाशी रसायनों से बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम बीजों को प्लास्टिक या लोहे के बड़े बर्तन में फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर कवकनाशी या कीटनाशी रसायन की समुचित मात्रा छिड़ककर अच्छी तरह मिला लेते हैं। बुआई करने से पहले उपचारित बीज को छाया में सुखा लेना चाहिए। एक साथ कई दवाओं से बीजोपचार नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के 24 घंटों के अंदर बुआई करने की सलाह दी जाती है। अन्य आसान तरीके से किसी बड़े थैले में बीज एवं रसायन की निर्धारित मात्रा को एक साथ रखकर थैले को अच्छी तरह हिलाकर भी बीजों को उपचारित किया जा सकता है। जैव नियंत्रक बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास या बैसिलस के फॉर्मुलेशन अर्थात पाउडर की 4 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा बीज की दर से मिलाते हैं। इसके बाद 250 ग्राम गुड़ या शीरा के घोल को गर्म करके तथा फिर से ठंडा कर बीज में मिलाते हैं। इन उपचारित बीजों को छाया में सुखा लेते हैं। बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने हेतु 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए और उपचारित बीजों को 8 से 10 घंटे तक छाया में फैलाकर सुखाना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के 2 से 3 दिन पहले कवकनाशी एवं कीटनाशी से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजोपचार जो है दलहनी फसलों में उसका एक बहुत महत्व है। यदि एक सही बीजोपचार किसान भाई करें तो इसे दलहनी फसलों का उपज काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए बीजोपचार तकनीक से संबंधित दक्षता परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन कर दलहन उत्पादकों को बीजोपचार द्वारा स्वस्थ फसल के साथ अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है।